हेलो गाइस, आज चैनल पे कुछ नया होने वाला है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टे विद अ लोकल फैमिली। तो बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत कुछ होगा वहाँ का। वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो लोग जो करेंगे मैं भी वही करूँगा। चेरी ऑन केक इज दैट, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वर्ल्ड का सेकेंड हाइस्ट रोपवे व्हिच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस थोड़ा मिठाई लेके चले सबके लिए। गाड़ी मिल गया और ये भाई भी मिला, उसका नाम है UPSC एस्पायरेंट। वो दिल्ली में राजेंद्र नगर में, आप लोगों ने देखा होगा एस्पायरेंट। यहाँ ना ये रास्ता बना रहे हैं, तो ये ब्लॉक है, रास्ता कम्प्लीटली ब्लॉक है। ये देखिए वहाँ रास्ता ब्लॉक है, तो इट विल टेक टाइम अराउंड 2-3 आवर्स। फाइनली रोड खुल गया, फाइनली दिस इज द गाय जिसके घर पे मैं रहने आया हूँ। अपना इंट्रो दो। हाँ, मैं उसका हम लेबो MJ का फ्रेंड, मैं मंजिल का MJ बोलता हूँ ना। यही टाउन है, यंग स्मॉल टाउन है, ज़्यादा बड़ा नहीं। दिस इज रुस्का's कार। वाओ, लुक्स न्यू मैन, आई लाइक द वे यू गाइस मेंटेन योर कार। मैं यहाँ सोऊंगा, तुम यहाँ सो रहे हो ना। हाँ रे, कैसे पता चला? यस श्योर। ये मेरा मम्मी है। नमस्ते। नमस्ते। कस्तो छ? ये मेरा छोटी दीदी। हां, ये दीदी के बेटी है। छोटी सी। हाय। हाय लोगों से। हाय। ग्रैंडपा। ग्रैंडपा। बड़े पापा, बड़े पापा। अंकल पा, अंकल बोलते हैं। नमस्ते। मेरा साथी है तुम्हारा? साथी। आसाम का। आसाम। आसाम हम दीदी के हम बताओ। ला, पढ़ देना पापा से। हां। Hi, say hi to the camera. Hi. Hello. Naam kya hai iska? Imitna. Oh. Dinner with chicken or ye dal wal? No, lijiye na. Ha, aap khade ho na. Oh, humne to le liye. Ha. Acha khaye? Ha. Lijiye. Yahan ek cheez khaya abhi, bahut tasty hai. Ye banta hai pumpkin seed aur chili se. आप खाली है? खाने का खाया खाया। कटी खाया हो? बक्को खाया हो? इतनी खाई हो। ओए। मीठा खाया हो? एकदम मीठा। हाँ। नेपाली बोलता है सितान ने? अली अली हाँ अली 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 बोलता है। हाय तो बोला हाय बोले। हाय। तो ऐसे टूटी फूटी हिंदी बोल देते हैं, मैं भी टूटी फूटी नेपाली बोल देता हूँ। दोनों का जमता है। हाँ, दोनों का जमता है। तो हम लोग खाना खा लिए और ये देखो मेरे दोस्त गिटार लेके बैठ गए। ये दीदी हाय बोल दीजिए। ये दीदी है रुस्का की दीदी है। नमस्ते। नमस्ते। पहले नाम तो बताइए दीदी, पहले नाम तो बता दीजिए दीदी। दीदी भाग रही है अभी, देख रही है ऐसे पीछे से बता दीजिए। कल बोलूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। कल अच्छे से मेकअप करके और कैमरा में आएंगे, ठीक है? ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी नींद खुला तो यहाँ का सनराइज अच्छा होता बोलते हैं, तो ये बोल रहा था, देखता हूँ। लाइफ इज अ वाइंडिंग रोड, नो टेलिंग वेयर इट गोस, ड्राइविंग थ्रू डेज एंड नाइट्स, won't stop for traffic lights, and I really wanna know, really wanna know. Good morning. हमें जगाने क्यों नहीं है? हम लेट उठे, अब नहीं जगा इसलिए। ब्रेकफास्ट के लिए? No. वाह, ये क्या है? ये ऐसे गोल। ये क्या बोलता है? जीरो बोलता है। वेरी नाइस। हनीगम। हनीगम? हम्म। ये किससे बनता है? मैदा और वही जो बना। ओके, मैदा और चावल। ओके, तो देखो मैं ये ऐसा लिखता है, इसको हनी बम बोलता है। गम। गम, हनी बम नहीं, गम। और ये बहुत क्रिस्प है, क्रिस्प। आवाज सुनाई दे रहा होगा आपको। मीठा है थोड़ा सा, बहुत टेस्टी है, मुझे तो अच्छा लगा। दीदी बता दीजिए क्या क्या है नाम? ये इसका नाम हनी गम। इसका खबजे। ये खबजे? हाँ। ये खबजे है। ये किससे बनता है? ये मैदा से। और ये वाली? ये जूर का बोलता है, इसका चावल का होता है। इसका देखिए शेप कैसा है, ये प्लेट जैसा है, उठा सकते हो। ये नीचे का जो है, अंदर बैठ के पी रहे थे, फिर यहाँ इतना बढ़िया से ये बना के रखे है,
टेबल भी है वुडन का, और क्या चाहिए, तो सोचा कि यहीं आके बैठ के पीते हैं। मैं पूरा रुस्का के फैमिली से मिला देता हूँ, सारे यही है। तो ये हो गया घर का मुखिया, ये अंकल है। अंकल हाय बोल दीजिए। हाय, आप कैसे हो बता दीजिए। हम लोग तो एक ठीक है। और ये हो गया आंटी। आंटी बोलिए ना, हिंदी में बोलिए ना। बोलते जानती ना। बोलिए ना, बोलिए कैसे हो आप लोग। के वन्नो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक एकदम। और ये आई थिंक मिडिल वाला भैया। मेरा नाम क्वीन लिंबू है। अभी मेरा शर्ट बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा टर्बन बांध के मैं बैठा हूँ। और ये बड़ा भाई। हेलो, मेरा नाम किजांग लिंबू। बैचलर है, कोई लड़की वड़की है तो। ये बड़ी दीदी। बड़ी दीदी कैमरा से दूर भागते। और ये छोटी दीदी। हाय 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 बोलो। हाय बोलो। खाना खा रही है, सारे फैमिली यही है। और ये घर है। और ये अंकल सबसे बुजुर्ग गांव के। बताइए कैसे हो आप। ठीक से। उम्र कितना हो आपका। 71 वर्ष। तो सबसे बुजुर्ग आप ही हो। हाँ जी। अरे बाय बाय। जुम जुम बाय। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं, जैसे आप लोगों को बताया था मैंने, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट रोपवे दिखाने के लिए। तो चलिए। तो हम घर से निकल चुके हैं, तो अभी इसको बाल काटना है क्योंकि हैंडसम दिखना है, थोड़ा स्पाइक हेयर बनाना है। देखो इन लोगों को पता चला कि कोई ब्लॉगर आया है, तो सबको बुला के लगे, पूरा पलटन आ गया। हाय, नाम? आदित्य कुमार ठाकुर। आयुष, प्रिंस। वाओ, नाम तो बढ़िया बढ़िया है भाई। मेरा फोटो ले रहे हैं, सेल्फी। चलो थैंक यू। मेरा फर्स्ट फोटो आया, टिच्ची ने लिया सेल्फी। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। अरे ये यांगंग शहर है और यहाँ का सारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ डिटेल्स मिलेगा आपको। अब रा बांग्ला जा सकते हो, यहाँ 18 किलोमीटर है। टिमी टी गार्डन है, नामची है, सिंगटम गैंगटॉक रोपवे है, और मोनेस्ट्री है, वाटरफॉल है। तो हम लोग का जर्नी यहाँ से शुरू होता है। ये भैया है, भैया का नाम सुकराज। सुकराज सोनिया फॉल्स के लिए जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। यही है फॉल्स, लेकिन अभी पानी कम है क्योंकि अभी मॉनसून नहीं है ना, तो विंटर्स में पानी कम होता है। फॉल्स हो गया, अभी हम लोग निया फॉल्स से जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे। बने रहिए, अच्छा ही होगा। एक जगह पहुंच गए, बहुत हाइक से है, तो यहाँ से पूरा जो भी गांव है यहाँ से दिखता है। तो दिखाते हैं, ऊपर जा रहे हैं अभी। ले रहे वीडियो ले करके। ओ भाई, बहुत ही हायर एल्टीट्यूड पे ना। वो नदी का है, टिस्टा। ओके, वो टिस्टा यहाँ से होके जाता है। हाँ, यहाँ से ऐसे ऐसे। ओके, इधर से नॉर्थ से होते हुए आएंगे। हाँ, इधर इधर इस पर चला जाएंगे। यहाँ से नीचे दिख पाओगे, बहुत स्केरी है क्या। आओ थोड़ा नीचे देखो, थोड़ा थोड़ा नीचे देखो, थोड़ा और जाओ। ओ इधर देखो, इधर बहुत स्केरी है यार। भैया आप यहाँ आराम से बैठ लेते हो, डर वर नहीं लगता। नहीं लगता। अरे मतलब यूज़ तो हो गए हमने। हम लोगों के साथ ज्वाइन किया भैया। ये एक मंदिर है, सीमेंट से बनाया कि पत्थर को ऐसे ऐसे काट काट के बनाया। मालूम नहीं, देखने में तो सीमेंट जैसा लगा, जो भी हो अच्छा है। ये सिक्किम यूनिवर्सिटी का बाउंड्री है, यहाँ से शुरू होता है सारा जमीन यूनिवर्सिटी का। You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.
यहाँ रोपवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो रोपवे यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिज्म बूस्ट करेगा, यहाँ से रोपवे जाएगा ऊपर तक, तो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट रोपवे होगा। सो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रोप यहाँ से ये वाली बिल्डिंग से लगाएगा कि वाली से? ये वाला बिल्डिंग से जाएगा, ये स्टेशन मेन स्टेशन, ये रोपवे का मेन स्टेशन होगा। बहुत बड़ा होगा तू भाई, कितना बड़ा है यार। तो जाएगा ना डिब्बा? बस लगाना है ना, ऑलमोस्ट रेडी है, बस डिब्बा यहाँ लगाएगा। ये मशीन वगैरह देखिए, वो भाई ये देखिए जो घूमता है ना रोप को, आगे पीछे जो घुमाता है, कितना बड़ा है यार। सेकेंडरी रोप चल रहा है सामान वगैरह ले जाने के लिए। ये सामान कहाँ लेके जा रहा है यहाँ से? जो काम हो रहा है ना ऊपर, हाँ इसी का है। ऊपर भी ऊपर टॉप पे जो बादलों के ऊपर है वहाँ पर ना एक मंदिर बनेगा बहुत बड़ा। और ये वाली दूसरी लाइन है जो सामान कैरी करने के लिए, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ से ऐसा सामान लेके जा रहा है, वहाँ से कंट्रोल कर रहे भैया। रोबोट फेल हो गया, वहाँ जो ऊपर है ना वो हाँ चट्टान पे चढ़ नहीं पाया ऐसे। ओ रोबोट, ओके। देखो रास्ता ऊपर का कितना स्टीप है, वाओ तो मस्त है। तो वाटरफॉल आता है तो जो मॉनसून के टाइम पे, मॉनसून के टाइम जो वो है ना वो ऊपर, हाँ जो जो सब बादल के नीचे नीचे वो है ना उधर सब आएगा वाटरफॉल्स होगा। ऊपर से जाओगे कैसे दिखेगा उधर? देखो सोचिए यहाँ से आप रोपवे से यहाँ से जा रहे हो, फिर आपको नीचे तो दिखेगा ही, वहाँ ऊपर तक जाओगे वो बादलों के उस पार, मतलब ऊपर और ऊपर जाओगे, फिर यहाँ से ये माउंटेन रेंज कंचनजंगा रेंज वो दिखेगा। यहाँ जूम करके दिखाते हैं, वहाँ आपको दिख रहा होगा ऐसे ही रोपवे का पिलर, वहाँ यहाँ भी एक दिख रहा होगा, वहाँ भी एक दिख रहा होगा, फिर वहाँ देन अगेन देन देयर देन ऊपर होगा बादलों के उस पार, तो ये यहाँ से दिख नहीं रहा। हाय, से हाय टू द कैमरा, से हाय हाय हाय। सही है, कंप्लीट होने में कितना और कितने महीने साल? स्काईवॉक का जो काम शुरू हो जाएगा तो और दो तीन साल लगेगा, और दो तीन साल ना स्काईवॉक का काम होने का बाद भी शुरू हो जाएगा, लेकिन स्काईवॉक का काम कैंसिल हो जाएगा तो जो बहुत दिन बनेगा। स्काईवॉक कहाँ बनेगा? ऊपर था वो बादल है ना, हाँ ओके, इस पहाड़ से उस पहाड़ ऐसा माय उधर वाला एक एक है दो दो ऐसा करके दो पहाड़ है, उधर दिखाई नहीं जाता है, ये इधर है ना, हाँ पूरा इधर, हाँ वो एकदम उठेगा 18 नंबर तक, ओके 18 नंबर तक उठेगा, वहाँ दो दो पहाड़ है ऐसा, ओह उधर घूम के ऐसा उसका। कितने पिलर है टोटल? 18 इंसान जाता है इस ट्रॉली में? इंसान में ट्रॉली में जाता है, हम लोग ट्रॉली में जाता है, छोटा वाला, हाँ लोग। कितना है काम, कितना बचा है ऊपर? जो काम बचा नहीं, खाली सिर्फ रोप का काम बाकी है अभी, रोप यूरोप का काम तो खत्म हो जाएगा, दो चार महीने में बहुत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फॉरेनर लोग आएगा तब तो वो लोग तो क्वारंटाइन जो कर दिया, फिर फॉरेन से आएगा तब तो होगा ना क्लियरेंस देने के लिए। हाँ ओके, कौन सा मतलब कौन सा कंपनी है? पुमा। पुमा तो मैंने सोचा कि कपड़े का ब्रांड, दूसरा वाला पुमा, ओके बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कितना ठंडा हुआ था जब यहाँ बर्फ हुआ था ना? इधर तो बहुत ठंडा हुआ हुआ था, एकदम लेबर हम लोग लेके आए वहाँ से, यहाँ एक आदमी मरा भी हो ठंडे की वजह से, ठंड के वजह से उसको पहले भी मरा था। तो रोपवे कंस्ट्रक्शन तो देख लिए, फिर अभी हम लोग चलते हैं हेलीपैड, और आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो अभी ये वाले एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। और जिस लोगों ने मतलब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हो या वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ यू सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, अच्छा लगेगा। और हाउ वाज़ योर लास्ट नाइट विद मी? हाँ बहुत ही अच्छा था, हाँ काफ़ी अच्छा, गलत मत समझना लेकिन अच्छा था।